तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में जो सेबी का नया सर्कुलर आया है, वो सर्कुलर का कौन से स्टॉक्स पे इफेक्ट गिरने वाला है और कौन से स्टॉक्स में उससे गेन होने वाला है। मेरे पास पूरा उसका लिस्ट है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड जिसमें से पैसा फ्लो होने वाला है और कौन से स्टॉक्स में कितना पैसा जाने वाला है, लार्ज कैप में कितना जाने वाला है, मिड कैप में कितना जाने वाला है और स्मॉल कैप में कितना जाने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन, और इन सब का आपके इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क गिरने वाला है ये भी हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। चलिए वेलकम गाइज। माय नेम इज हरीश कवळकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू कैन रीड माय ब्लॉग ऑन www.harishkavalkar.com। वहाँ पे मेरा एक पोस्ट चलता है एंड आवर ईच डे, तो वहाँ पे जाके आप रजिस्टर्ड हो सकते हो, सब्सक्राइब हो सकते हो। वो पोस्ट का मतलब ही आपको नए नए चीज़ें सिखाना है, वो वीकली या आपको मंथली पोस्ट मिलेगा। और दूसरा, वहाँ पे मैंने 3 फ्री कोर्सेज शुरू किए हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। वो सब कोर्सेज फ्री है, खाली आपको वहाँ पर रजिस्टर्ड होना है। और वो कोर्सेज मैं पर्सनली हर संडे 2 घंटे आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप मेरा बुक बाय कर सकते हो, व्हाट वर्क्स इन इन्वेस्टिंग। वो बुक पे मैंने जो भी ग्रेट इन्वेस्टर हुए हैं उन्होंने रिटर्न कैसे निकाले हैं मार्केट से, और उनका मेथड क्या था, उनका स्ट्रेटेजी क्या था, वो मैंने उसमें कवर किया है। रिसेंट कंडीशन क्या है, और आपको जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा बुक है लेकिन वो बुक से आपको समझ में आएगा कि इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है जो आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न पे इफेक्ट करेगा। चलिए वेलकम गाइज। तो चलिए देखते हैं 2017 का म्यूचुअल फंड का रेगुलेशन क्या था, 2020 का रेगुलेशन क्या है और ये रेगुलेशन में चेंजेस क्यों हुए। जैसे कि आपको इमेज में देख रहा होगा कि 2017 का जो रेगुलेशन था उसमें था मल्टी कैप फंड में कैटेगरी में कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट इज 65% ऑफ टोटल एसेट। बस इतना ही उसमें दिया हुआ है कि 65% जो भी आपका टोटल एयूएम है उसका खाली इक्विटी में या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होना चाहिए, उसमें कोई बायफर्गेशन नहीं था। अभी 2020 का जो सर्कुलर आपको दिख रहा होगा उसमें दिया हुआ है कि आप 75% तक इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। 65 का पहले तो 75 है ना, 10% बढ़ गया। दूसरा, उसमें से 75 में से 25% आपको लार्ज कैप में, 25% आपको मिड कैप में और 25% आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। ये चेंजेस किया हुआ है, और ये चेंजेस क्यों किया हुआ है, जैसे कि आपको बॉटम में रेड कलर का ब्रैकेट दिख रहा होगा, इसमें लिखा है इन दिस रिगार्ड इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई द अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट ऑफ मल्टी कैप फंड अक्रॉस द लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज एंड बी ट्रू टू लेवल इट हैज बीन डिसाइडेड टू पार्शियली मॉडिफाई द स्कीम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी कैप फंड। तो इसमें लिखा हुआ है बी ट्रू टू लेवल, तो लेवल का मतलब होता है मल्टी कैप। मल्टी कैप का मतलब क्या होता है कि दे आर इन्वेस्टिंग इन टू डिफरेंट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, मल्टी कैप, राइट। तो अब तक क्या होता था वो अपन देखेंगे कि अब तक मल्टी कैप के, अगर मल्टी कैप फंड है तो वो कौन कौन से कैपिटल में इन्वेस्ट करता था, कौन कौन से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता था, वो भी हम लोग। तो देखिए ये नया पिक्चर आपको दिख रहा होगा कि मल्टी कैप फंड जो कैटेगरी है इसका जो एयूएम है वो पूरे म्यूचुअल फंड के 4th नंबर पे है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि लिक्विड फंड का एयूएम है 4,55,55,000 करोड़, राइट अराउंड। अदर ETFs यानी ETFs का AUM है 2 लाख करोड़, लार्ज कैप का है 1.49 लाख करोड़ और मल्टी कैप का है 1.46 लाख करोड़। तो 1.46 लाख करोड़ का जो मल्टी कैप फंड की कैटेगरी है उसका जो AUM है वो ठीक से सब कैटेगरीज में डिवाइडेड था या नहीं, क्योंकि 2017 में ऐसा कोई रेगुलेशन था नहीं कि वो ब्लू चिप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट करें। खाली उनको बोला गया था कि 65% आपको इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है, और जो अभी का रेगुलेशन आया है उसका बोलना ऐसा है कि 75% करना है। तो 10% बढ़ गया, उसमें से 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% इन स्मॉल कैप, राइट। और उसमें भी जो मल्टी कैप फंड की कैटेगरी है ये टॉप 4 कैटेगरीज में आती है टोटल म्यूचुअल फंड के एवीएम में अगर आप देखोगे। तो इसमें ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड आते हैं मल्टी कैप कैटेगरी में, तो इसमें अराउंड 35 म्यूचुअल फंड आते हैं। जैसे कि आपको इमेज में देख रहा होगा कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, HDFC इक्विटी फंड है, मोतीलाल मल्टी कैप 35 फंड है, UTI इक्विटी है, आदित्य बिरला सनलाइफ इक्विटी है, SBI मैग्नम मल्टी कैप है, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, एक्सिस
मल्टी कैप फंड है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड है। ये खाली मैंने पहले टॉप 10 नाम देखे हैं, लेकिन पूरा 35 का लिस्ट आपको इसमें देख रहा होगा। तो ये टोटल जो 35 म्यूचुअल फंड है उनका ईएमआई 1.40 लाख करोड़, राइट। और उसमें से 76%, 1.45 लाख का 76% खाली टॉप 5 म्यूचुअल फंड से आ रहा है। तो टॉप, तो पहले के टॉप 5 म्यूचुअल फंड कौन से है? कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, एचडीएफसी इक्विटी फंड, मोतीलाल ओसवाल इक्विटी फंड, यूटीआई इक्विटी एंड आदित्य बिरला सनलाइफ इक्विटी। तो ये जो 5 फंड है उनका एवीएम 1.45 लाख, टोटल एवीएम का 76% खाली ये 5 म्यूचुअल फंड से आ रहा है। तो ये पूरा पोलराइज था पूरा। एक तो मल्टी कैप का लेबलिंग ठीक नहीं था कि वो ठीक से सब कैटेगरी में इन्वेस्ट करे। दूसरा, जो पूरा 35 फंड है उसमें से खाली 5 फंड उसका 76% एवीएम कैरी कर रहे हैं, राइट। तो ये म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको इफेक्ट दिखेगा कि वो अलग अलग कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो म्यूचुअल फंड आपने देखे अभी, ये स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट करते थे, एक मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड थे ये कितना स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते थे। तो देखिए इमेज में आपको दिख रहा होगा कि कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का ईएमआई है 29,000 करोड़, राइट। तो उसमें से खाली 1% ऑफ टोटल एवीएम दे आर इन्वेस्टिंग ओनली इनटू स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में उनका कितना था? खाली 311 करोड़, राइट। एचडीएफसी इक्विटी फंड 19,000 करोड़ मार्केट कैप एंड दे आर ओनली इन्वेस्टिंग 3%, 3.43 टू बी प्रिसाइज, 3.43% इन स्मॉल कैप। द अमाउंट विल बी 664 करोड़। ABSL इक्विटी फंड 10,000 करोड़ अराउंड एंड दे आर इन्वेस्टिंग 5.24 करोड़ इन स्मॉल कैप विच इज 570 करोड़। SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड 8,900 करोड़ था, वो 6% इन्वेस्ट कर रहा है और 570 करोड़ वो स्मॉल कैप का अमाउंट होता है। और एक्सिस मल्टी कैप फंड का टोटल एवीएम था 6,400 करोड़, वो 0% उनका स्मॉल कैप में इन्वेस्ट था, राइट। तो अराउंड अगर आप देखोगे तो 300 करोड़ से 600 करोड़ टोटल ईवीएम जो भी है उनका उनका 300 से 600 करोड़ खाली वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते थे। तो आपको नहीं लग रहा कि ये कुछ सेबी को जरूरत लगी होगी कि ये बराबर से हर कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है? उसीलिए सेबी का रेगुलेशन आया हुआ है। और ये जो आपको दिख रहा है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सेबी या एमफी कैसे डिसाइड करती है, उसके लिए क्या चीज़ें होती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज है, कौन सी लार्ज कैप है, कौन सी मिड कैप है और कौन सी स्मॉल कैप है। तो चलिए देखते हैं नया इमेज। नए इमेज में दिया हुआ है कि लार्ज कैप वो कंपनीज है जिसका फर्स्ट नंबर से लेके 100 नंबर तक तो जो भी कंपनी आएंगी मार्केट कैपिटलाइजेशन लिस्ट में, कि जो हाईएस्ट मार्केट कैप है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हाईएस्ट मार्केट कैप है इंडिया में, वो टॉप फर्स्ट में आ गए, पहला नंबर आ गया। और जो से जैसा नीचे नीचे आओगे तो 100 कंपनी तक आएगा लार्ज कैप, 101 से 250 तक आएगा, 250 तक आएगा मिड कैप और 250 ऑनवर्स यानी 251 के आगे जितना भी आएगा वो आएगा स्मॉल कैप। और ये लिस्ट कौन बनाता है? लिस्ट बनाता है एमपी, राइट। और ये एमपी जो लिस्ट बनाती है मार्केट कैप पूरा मार्केट कैप के बजाय वो एवरेज मार्केट कैप लेती है। अगर एक ही कंपनी बीएसईबी भी लिस्टेड है और एनएसईबी भी लिस्टेड है तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज का एवरेज लेके उसका एवरेज मार्केट कैप निकलता है। हाँ, अगर वो खाली बीएसईबी लिस्टेड है या खाली एनएसईबी लिस्टेड है तो उसका पूरा मार्केट कैप लेते हैं, फुल मार्केट कैप लेते हैं। और एमपी ये जो लिस्ट है हर 6 महीने में अपलोड करती है उनके वेबसाइट पे, वो पब्लिश होती है जून में और दिसंबर में, राइट। ये पब्लिश होती है जून में और दिसंबर में, ध्यान में रखिए 2 वर्ड, जून और दिसंबर, राइट। और ये क्यों किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड वो रिबैलेंस कर सके उनका पोर्टफोलियो, राइट। तो एक म्यूचुअल फंड को लग रहा है कि ये लार्ज कैप है तो दूसरे को भी वो लिस्ट में होना चाहिए कि लार्ज कैप में, नहीं तो उसको लगेगा कि ये मिड कैप में। तो इसीलिए एमपी लिस्ट देती है, एमपी पब्लिश करती है जून टू दिसंबर में। तो जो आप देखा होगा स्टॉक मार्केट में जिसको लार्ज कैप बोल रहे हैं या मिड कैप बोल रहे हैं या स्मॉल कैप बोल रहे हैं, वो पहले था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 10,000 या 10,000 के अबो वो हो गया लार्ज कैप, 10,000 से नीचे हो गया मिड कैप और उससे भी छोटा जो हो गया 100 करोड़ के नीचे हो गया स्मॉल कैप। लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में वो सिस्टम नहीं है। म्यूचुअल फंड के बारे में एमपी वो जो लिस्ट पब्लिश करती है वही स्टॉक्स आपको लेना पड़ता है वो कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। तो देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन का लिस्ट कौन सा है।
तो जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये 30 जून 2020 तक का लिस्ट है स्टॉक्स का। तो इसमें आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर पे रिलायंस, जिसका मार्केट कैप है 8.93 लाख करोड़। ये पूरा लिस्ट है राइट। और आपको एमपी की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी कारपोरेशन, इंफोसिस, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, रिलायंस का स्टॉक्स, रिलायंस का मार्केट कैप शुरू होता है 8.93 से। तो इसका जो 100 नंबर पे जो कंपनी आएगा, उसका मार्केट कैप अपन देखते हैं। तो देखिए, 100 नंबर पे आ रहा है आपका कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मार्केट कैप है 26,000 करोड़ राइट। तो ये पहला 100, टॉप 100 तक हो गया है लार्ज कैप। तो 26,594 करोड़ से जो नीचे है, यानी पहला 100 लार्ज कैप हो गया, उसके बाद में आ गया मिड कैप। तो व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड से, जो इसका नंबर 101 है, वहां से ये 250 तक होता है। तो ये लंबा लिस्ट है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, नहीं तो आप एमपी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो राइट। तो देखिए, 250 नंबर की कंपनी है अपोलो टायर्स, जिसका मार्केट कैप है 6,955 करोड़ राइट। तो ये हो गए मिड कैप और स्मॉल कैप 251 से, यानी ये होता शीला फोम लिमिटेड से शुरू। तो लास्ट तक ये कंपनी अराउंड 4,500 कंपनीज है, 5,000 तक कंपनीज है लिस्टेड। तो ये मार्केट कैप बहुत लैक्स में भी जाता है, 39 लैक्स हो गए। तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड जो भी इन्वेस्ट करेंगे, कम से कम 100 करोड़ के मार्केट कैप तक देखेंगे राइट। और आगे के कैलकुलेशन में मैंने वही लिया हुआ है कि जिसका मार्केट कैप स्मॉल कैप में कम से कम मिनिमम 100 करोड़ तक होगा राइट। अभी का जो इमेज दिख रहा है आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है कि करंट एलोकेशन क्या है और न्यू एलोकेशन क्या होने वाला है और कौन से कैटेगरी से पैसा बाहर निकालने वाला है, यानी कौन से कैटेगरी से आउटफ्लो होने वाला है, कैश आउटफ्लो होने वाला है, और कौन से कैटेगरी में कितना इनफ्लो हो रहा है राइट। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा करंट एलोकेशन लार्ज कैप में है 1,08,502 करोड़, न्यू एलोकेशन होने वाला है 68,000 करोड़, यानी सेबी ने जो बताया है कि 25 25 25, तो इसमें से कैश निकलने वाला है 40,000 करोड़। तो लार्ज कैप से 45,000 करोड़ निकलने वाला है राइट। और मिड कैप में अभी का अलोकेशन है 24,000 करोड़, जो नया अलोकेशन होने वाला है वो 36,000 करोड़ का है। तो इसमें कैश इनफ्लो होने वाला है, यानी कि इसमें कैश आने वाला है। मिड कैप में कितने आने वाला है, 12,000 करोड़ राइट। और स्मॉल कैप में अभी का अलोकेशन क्या है, 8,742 करोड़, और इसमें न्यू एलोकेशन होने वाला है 36,000 करोड़। तो इसमें भी कैश इनफ्लो कितना होने वाला है, 27,000 करोड़। तो अगर आप देखोगे सब में, तो सबसे ज्यादा अगर कैश इनफ्लो होने वाला है तो स्मॉल कैप में होने वाला है 27,000 करोड़, और कैश निकलने वाला किससे बाहर है, लार्ज कैप से, जो निकल रहा है 40,000 करोड़ राइट। और अगर आप टोटल जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई अभी, उसका जितना अगर आप पूरा लार्ज कैप का अगर मार्केट कैप लोगे, तो वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो देखोगे तो है 101 लाख करोड़। तो उसमें से कैश आउटफ्लो कितने वाला होने वाला है, खाली 40,000 करोड़ राइट। और मिड कैप का टोटल मार्केट कैप कितना है, 21 लाख करोड़, इसमें इनफ्लो कितना होने वाला है, 12,000 करोड़। और स्मॉल कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13 लाख करोड़, और इससे कैश इनफ्लो कितना होने वाला है, 27,000 करोड़। तो अगर आपको कोई बता रहा होगा कि बहुत बड़ा मार्केट क्रैश आने वाला है या बहुत सारे चेंजेस होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और ये अमाउंट बहुत स्मॉल है, जो भी कैश आउटफ्लो हो रहा है, जो लार्ज कैप से पैसा निकल रहा है, 101 लाख करोड़ कहाँ पे और 40,000 करोड़ कहाँ पे, ये बहुत निग्लिजिबल अमाउंट है और ये इतना इफेक्ट नहीं करेगा पूरे ओवरऑल मार्केट कैप में। हाँ, सडन कोई रिएक्शन आ सकता है कि मार्केट कुछ गिर गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कुछ भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। खाली जो पोलराइज हुआ था कि मल्टी कैप फंड कैटेगरी का नाम सजेस्ट करता है कि ये मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो खाली 65% जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी जैसे मैंने आपको लिस्ट दिखाई, उसमें से 65% 85% पूरा लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये जो पोलराइजेशन हुआ था इनका स्टॉक्स में, पूरा का पूरा लार्ज कैप में जो हो रहा था, ये सेबी को कहीं पे लगा कि नीड है, जरूरत है, नीड एंड आवर है, तो उन्होंने वो चेंज किया है, और उन्होंने स्ट्रिक्टली रिकमेंड किया है कि 75% इन्वेस्ट करना है, 25 25 25 राइट। और ये चेंजेस होने के लिए, अभी मंडे से या कल टुमारो से नहीं होने वाला है, ये चेंजेस होने वाला है, इसका डेडलाइन दिया हुआ है कि आपको टाइम है जनवरी 2021 तक,
राइट, ये क्यों है? क्योंकि अभी नया जो लिस्ट पब्लिश होने वाला है, जो दो टाइम पे लिस्ट पब्लिश होता है, वो तो है एक तो जून में या दिसंबर में। तो दिसंबर का जो लिस्ट पब्लिश होगा उसके बाद एक महीने का उनको टाइम दिया हुआ है कि आप जान 21 तक आप उसको कर दीजिए, तो ये डेडलाइन दिया हुआ है। जो मल्टी कैप का कैटेगरी जो दिया था कि 65% तक इन्वेस्ट कर सकते थे, वो हर कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं करते थे अक्रॉस द मल्टी कैप, राइट। तो अभी सबसे बड़ा सवाल होता है कि इससे क्या चेंज होने वाला है, या तो प्राइस चेंज होने वाली है या उसका वैल्यू चेंज होने वाला है, राइट। दोनों में से एक ही चेंज होने वाला है कि वो स्टॉक्स का प्राइस चेंज होने वाला है, राइट। और प्राइस डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड पे, और जो वैल्यू डिराइव होती है बिजनेस की, कंपनी की, वो चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि वो प्राइस या सप्लाई डिमांड से चेंज नहीं होगी। अगर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो इसका कुछ भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। जान 21 तक डेडलाइन है, उसके बाद भी एक 3 4 6 महीना है उसका रिएक्शन दिखेगा, बाद में इसका कुछ भी रिएक्शन होने वाला नहीं है। हाँ, स्मॉल कैप के प्राइजेस में थोड़ा सडन चेंज आ सकता है, लेकिन ओवरऑल कोई बिजनेस का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। खाली जो कैश पूरा लार्ज कैप में था वो इन्वेस्ट होने वाला है मिड कैप में और स्मॉल कैप में। तो दूसरा सवाल ये होता है कि सेबी ने ये क्यों किया? तो जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में दिया था आपको, उसमें से उन्होंने लिखा हुआ है, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, इन दिस रिगार्ड इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई द अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट ऑफ मल्टी कैप फंड, राइट, अक्रॉस द लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी एंड बी ट्रू टू लेवल। क्या बोल रहे हैं? एंड बी ट्रू टू लेवल। लेवल क्या बोल रहे हैं? मल्टी कैप, और उसके साथ ट्रू होना, यानी उसके साथ सही होना, उसके लिए सेबी ने ये चेंजेस किए हैं, राइट। तो कॉन्क्लूजन क्या निकलने वाला है? कॉन्क्लूजन एक ही निकलने वाला है कि जो म्यूचुअल फंड खाली 65% थे, वो 10% बढ़ा हुआ है, और वो 10% 75 में से भी 25% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होने वाला है। इससे चेंज कोई बड़ा होने वाला नहीं है, खाली सडन कुछ स्टॉक्स के प्राइजेस में चेंजेस होने वाला है। और वो कौन से स्टॉक्स में होने वाले हैं? मिड कैप स्मॉल कैप में मेजरली, कि जिनका लिक्विडिटी कम है, यानी जिनका लिक्विडिटी कम है मतलब जिनके नंबर ऑफ स्टॉक्स कम ट्रेड होते हैं, राइट। और म्यूचुअल फंड का अमाउंट इतना बड़ा होता है कि वो इलिक्विड म्यूचुअल फंड में या इलिक्विड मिड कैप में इन्वेस्ट करते नहीं है, तो उसमें भी जिनका लिक्विडिटी अच्छा है, राइट। समझो किसी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट करना है 300 करोड़ या 100 करोड़ एक आधे कंपनी में, राइट, स्मॉल कैप में, मिड कैप में। समझो अपन फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि उसको 100 करोड़ इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप कंपनी में, वो कम से कम मार्केट कैप देखेगा जिसका कि 1000 करोड़ है, राइट, क्योंकि 10% भी अगर लिया तो 100 100 करोड़ हो रहा है, राइट। वो ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका मार्केट कैप ही 150 करोड़ है और उसमें से वो 100 करोड़ उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। म्यूचुअल फंड इतना रिस्क लेते नहीं है, ये लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई पेनी स्टॉक्स में बहुत बड़ा सडन चेंज होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी आपको मिसगाइड कर रहा है तो ऐसा मत कीजिए। ये मैंने चैनल उसी लिए शुरू किया हुआ है कि आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिले, और जो मुझे लगता है कि ये आपके लिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि हर चीज़ पे मैं आपको वीडियो बनाऊँ, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुँचाइए कि वो मिसगाइड ना हो सके, राइट। थैंक यू वेरी मच।